सर मेरा नाम पवन कुमार जय, मेरे पिताजी नर्सरी प्लस हॉर्टिकल्चर के कोर्स भी किए, मैं भी बॉटनी से कोर्स किया हूँ। फिर यहाँ पे जब 2017 में मैं आया तो उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस मेडिसिनल प्लांट के बारे में इनका रुचि था। ब्लिस को अलग बाकी रिसोर्ट से ही बनाता है, जो बाकी रिसोर्ट में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। खाना जो बनाता है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें ऑर्गेनिक राइस है उसका ही चावल यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पे नेचर से रिलेटेड जो चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग उसमें है, क्योंकि केमिकल से बना हुआ चीज़ वो पसंद नहीं करते, इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है। प्लांट भी जो है ना, जिससे कि ऐसे ऐसे प्लांट उनका है जो तमाम तरह की बीमारी है वो उससे ठीक हो, पेड़ पौधे से ही ठीक हो, उसका काढ़ा बनाने से हो, उसका लेप लगाने से हो। जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी, सबसे बेस्ट पौधा है गिलोई। गिलोई है वो आपको ब्लड को साफ करता है। आज बहुत सारे आदमी बोलते हैं जो मैं ब्लिस में फिर से आऊँ, देखूँ, आप बोटेनिकल टूर जी कराए थे, अच्छा लगा। बहुत सारे मतलब डॉक्टर लोग भी आए हैं, वो भी बोटेनिकल टूर किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास प्लांट लगे हुए हैं, मंडला गार्डन है, मंडला गार्डन में हमारा हर तरह के पौधा लगे हुए हैं। उसमें से लोग आते हैं, खुद तोड़ के भी लेके जाते हैं और उनको प्रोसीजर बताते हैं कैसे कैसे करना है, काढ़ा बना के पीते हैं और उनको काफ़ी अच्छा भी लगे। एक तो यहाँ पे ब्लिस में जो है ना, प्रकृति ने बहुत खूबसूरत दिया है। उसके बाद जब हमारा मेडिसिनल प्लांट जब यहाँ पे हम लगाए हैं तो उससे और वातावरण शुद्ध हो, क्योंकि उसका जो भी हवा में मिश्रण आए, उसका मेडिसिनल प्लांट का जो हवा वहाँ से क्रॉस करेगा। हमारा ये मंडला गार्डन है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं सुबह के टाइम में और काफ़ी खुश होकर जाते हैं। आप आइए, एंजॉय कीजिए, देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, नेचर से रिलेटेड चीज़ है।